हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्लैक मैजिक का अगर नाम नहीं सुने हैं आप लोगों ने, जरूर सुना होगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक हमारे इंडिया में तो बहुत फेमस है। और ये मूवी, इस मूवी को थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लैक मैजिक कितनी ज़्यादा भयानक चीज़ है और कितनी ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। तो इस मूवी की लास्ट तक देखने के लिए आप बने रहें, क्योंकि ये मूवी लास्ट तक देखने के बाद ही सस्पेंस दूर हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट तक सस्पेंस से बड़ा ये मूवी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर लाइक करना है तो कर दीजिए, लेकिन लास्ट में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि कहीं जा रही होती है। फैमिली में हमें 5 मेंबर्स दिखाए जाते हैं। आदमी का नाम हनी था, उसकी वाइफ का नाम अनादि था, और इन दोनों के 3 बच्चे थे, आदि, टीना और हॉकी। अब हम यहाँ कहानी पे आते हैं। हनी एक अनाथ बच्चा है और वो अनाथ आश्रम में ही पला बड़ा है। वो एक अनाथ आश्रम में जा रहा है उसी बूढ़े आदमी से मिलने के लिए जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया, क्योंकि वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। अभी उसकी तबीयत खराब है। तो वहाँ जा रहे होते हैं और रास्ते में ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते वो तो लोग बातों में खो जाते हैं, और तभी उनकी गाड़ी से कोई चीज़ अटैक होती है। मतलब वो इतने खोए होते हैं कि उन्हें पता नहीं लगता है कि कौन उसकी गाड़ी के सामने आ गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से गाड़ी के आगे कुछ आती है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता है। फिर वो लोग वहीं पर उतरते हैं और देखने लग जाते हैं कि कौन है आसपास। तभी वो देखते हैं कि एक हिरन जो कि मर गई है। वो देख के काफ़ी उन्हें बुरा फील होता है और वो उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी के दूसरी तरफ बच्ची पड़ी है जो कि मर चुकी है। डेड बॉडी है या फिर मर चुकी है, कुछ कंफर्म नहीं है। तो उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मतलब उस समय ये कंफर्म नहीं है कि उस गाड़ी से वो हिरन ही एक्सीडेंट हुई थी या फिर वो बच्ची। और यहाँ हमें कुछ और कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो कि हनी के दो फ्रेंड्स हैं, हेतन और दूसरा क्षेत्री, और साथ ही उनकी वाइफ्स भी थी। एक का नाम इवो और लीना है। इसके अलावा मेमन और शैदी, और ये लोग सब यहीं रहते हैं। और कुछ लोग उस बूढ़े आदमी से मिलने भी आते हैं। कुछ लोग अनाथ थे जरूर, लेकिन उनके टाइम के साथ साथ अडॉप्ट भी कर लिए गए हैं। हमें याद रखना होगा कि मेमन और शेदी अडॉप्टेड नहीं हुए, यही रहते हैं उस बूढ़े आदमी के साथ। अभी हनी मेमन से पूछता है कि सारे बच्चे कहाँ गए हैं। तो इसका कहना था कि बाकी बच्चे पिकनिक के लिए गए हैं, तो वो शाम तक आएंगे। और मेमन कहता है कि अभी और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें से जो कि अभी पिकनिक पे नहीं गए हैं, एक लड़का का नाम जिसका नाम हाशमी होता है और लड़की का नाम रानी होता है। वो लोग उनसे मिलवाते हैं और कहते हैं कि ये लोग पिकनिक पे नहीं गए हैं और अभी यहीं पे हैं, इसलिए वो लोग भी मिलके इन लोगों से काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो लोग उस बुरे आदमी से मिलते हैं, और क्योंकि ये लोग यहीं ठहरने वाले थे, तो हाशमी और रानी दोनों उसे पूरे जगह घुमाते हैं और कमरे दिखाते हैं जहाँ वो रहने वाली थी। तभी रानी उसे कहती है कि मैं जब 10 साल की थी तो मेरी माँ यहाँ छोड़ के गई थी, और मुझे भरोसा है कि मेरी माँ एक दिन ना एक दिन लेने के लिए ज़रूर आएगी। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग उन्हें बेडरूम में पहुँचा देते हैं। और उसके बाद हाकी उस रूम से बाहर जाता है और एक रूम देखता है जो कि लॉक होता है। तो रानी उसे कहती है कि ये रूम 20 साल से बंद है। और उसके बाद उसे कहानी सुनाने लगती है कि असल में 20 साल पहले यहाँ एक लेडी रहा करती थी। वो यहीं पे काम करती थी, उसका नाम मिश मेहरा था। और उसे एक दिन एक मोनी नामक बच्ची को बाहर लेके गई और यही चिल्ला रही थी कि उस बच्ची के अंदर शैतान का शाया है। और बाद में वो बच्ची मिशिंग हो गई, और बाद में मिश मायरा को यहाँ लाया गया, क्योंकि सभी का कहना था कि वो पागल हो गई थी। और यहाँ के लोगों ने उसे रूम में बंद कर दिया, और इसी रूम में बंद कर दिया था, मगर वो अपना शर्ट डोर से मारते मारते वो अपने आप को मार ली। जब तक कोई दरवाज़ा खोलता तब तक वो मरी हुई थी। और जब दरवाज़ा इसे सुन के वो काफ़ी डर जाता है। और हम देखते हैं कि उसके फादर लोग जब फोटोज़ देख रहे होते हैं पुरानी, तो आके वहाँ पर उसी बात को छेड़ता है, क्योंकि वो देखता है कि मोनी और वही मिस मेहरा वहाँ पर उस फोटो में होती हैं। और इस बात को इग्नोर करके वो बार बार वही क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। और वो बताती है कि हाँ, मिस मेहरा पागल हो गई थी, इसलिए उसे रूम में बंद कर दिया था। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद फिर वो लोग जब बाहर आते हैं तो वो कार में देखते हैं कि एक खून और एक कपड़ा होता है, जिससे कि उन्हें शक होता है कि ऐसे क्या हो गया था कि कपड़ा यहाँ पे है। मतलब एक हिरण को ही तो टक्कर मारी थी उन्होंने। और फिर वो उसी लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ पे टक्कर होती है, और वहाँ पे वो हिरन को ही देखते हैं। फिर नेक्स्ट जब वो पूरा ढूंढने लगते हैं तो वो एक लड़की की लाश को देखते हैं। ये देख के वो काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो लाश देख के वो सोचने लग जाते हैं कि ये मैंने क्या किया, मैं तो एक लड़की की जान ले ली। और उसके बाद वो इधर उधर देखने लगते हैं कि कोई कुछ मिल जाए जिससे कि हम यहाँ इसे ले जाएँ। और जब
वो इधर उधर देखते होते हैं, जंगल में सर्च करते तभी उन्हें एक बस मिलता है। ये देख के वो लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये बस यहाँ कहाँ से आ गई। और तभी वो लोग जब बस के अंदर सर्च करने जाते हैं तो वो एक्सीडेंट नहीं होता है, ऐसा लगता है कि कोई उसे बुरी तरह से मारा होता है, उन बच्चों को बुरी तरह से मारा होता है। वो बच्चे बहुत ही जख्मी होते हैं और ढूंढ ढूंढ के जैसे कि वो मतलब मरे होते हैं। और तभी वो लोग पुलिस को फोन करने लगते हैं लेकिन वहाँ पे नहीं होता है लोकेशन, इट मीन नेटवर्क नहीं होता, जिस वजह से वो पुलिस को फोन नहीं कर पाते। और फिर वो उसी अनाथ आश्रम में वापस आ जाते हैं और फिर वो लैंडलाइन से फोन करना शुरू करते हैं लेकिन उसे भी फोन नहीं होता है। तभी ये सारी बात जब हेतन उन्हें दिखता है तो वो पूछता है, तभी वो उस बच्चे के बारे में बताता है। और जैसे ही वो डिक्की में उस बच्ची को देखता है, क्योंकि वो बच्ची को लेके आ जाते हैं साथ में ही, और जैसे ही वो उसकी लाश को देखता है तो काफ़ी घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। और तभी वो लोग इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि बस में उन्होंने क्या देखा। जब बस में उन्होंने देखा कि सारे बच्चे अजीब तरह से मरे पड़े हुए हैं। ये सब सुन के उसे तो काफ़ी अजीब लगा क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, उसे भरोसा नहीं हो रहा था इन सब बातों पर। और हेतन फिर जैसे ही कॉल ट्राई करने के लिए फ़ोन उठाता है तो वो हेतन बताता है कि नहीं, यहाँ के फ़ोन कट है क्योंकि हम लोगों ने बिजली बिल पे नहीं किया था, इसकी वजह से फ़ोन कट हो गया। ये लोग काफ़ी डरे हो रहे होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। हेतन इनकी बात पे भरोसा नहीं करता है और कहता है मैं खुद जाऊँगा सर्च करने के लिए। उसके बाद वो वहाँ चला जाता है। हेतन यहाँ पे गलती ये करता है कि वो वहाँ पे अकेले चला जाता है उससे। और तभी जैसे ही वो बस में एंटर करता है तो उसे अजीब लगता है क्योंकि सारे बच्चे पलट के खड़े होते हैं, मतलब उल्टे खड़े होते हैं और उन्हें कोई चोट नहीं होती है, मतलब सब कुछ ठीक होता है उनके साथ। जैसे ही वो जाते हैं, जैसे वो ये सब देख के काफ़ी घबरा जाते हैं और डोर लॉक हो जाता है। और उसके बाद फिर वो साया देखता है, काले कपड़े में कोई साया देखता है। ये देख के वो काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ से भाग नहीं पा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि एक कीड़ा पूरे बस में कीड़े फैल रहे हैं और उसके शरीर पर आ रहे हैं और उसके मुँह में घुस रहे हैं बहुत ही अजीब तरह से। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो वहीं का वहीं मर जाता है क्योंकि उसके शरीर में पूरे कीड़े चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि लोग फिर हम देखते हैं कि जेफरी को अपने वाइफ से लड़ाई हो जाती है किसी बात पे। उसके बाद हम देखते हैं लीना को जो कि अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है, मतलब वो एक एप्पल को काटने की कोशिश कर रही होती है और तभी अपने वो फेस को देखती है आईने में, मतलब उसे अजीब लगता है क्योंकि वो आईने में अपने फेस को फूला फूला सा देख रही होती है, जैसे कि फूल गया होगा उसका फूल। उसके बाद वो उस जगह को कट करना शुरू कर देती है जो कि काफ़ी फूला हुआ होता है, मतलब वो किसी चीज़ से पजेज है और वो काले साए के अंतराल में आ चुकी है जिससे कि उसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रही है। उसके बाद वो हर जगह को काटना शुरू करती है। इधर हम देखते हैं एक को देखते हैं जिसपे कुछ कीड़े उछल रहे थे, वो उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन गटाक से उसके मुँह में बहुत सारे कीड़े चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चित्री को, वो लीना की इस हालत को देख के बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो खुद को ही काट रही होती है, उसे ऐसा लगता है कि ये क्या कर रही हो। और तभी वो उसे चिल्ला के बोलता है तुम ये क्या कर रही हो, और तभी ये हालत देख के कि वो खुद को ही काट रही है वहीं पे बेहोश हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं जब उसे हनी और उसकी वाइफ अनादिया आती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे इवा भी आ जाती है और वो कहती है कि मेरे गले में कुछ अटक रहा है, मतलब वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वो उल्टियाँ करके खून की उल्टियाँ करके उसके मुंह से कुछ कीड़े निकलते हैं जिसे देख के काफ़ी डरावनी होती है ये सीन। उसके बाद फिर उसके हाथ में कीड़े चले जाते हैं, उसके गले में अटक रही होती है जिससे कि वो अपने आप को ही घायल करने लगती है ताकि वो उसके कीड़े निकल जाए और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और ये देख के वो बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग वहाँ पे उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार में बैठते हैं और फिर क्योंकि अनादिया यहाँ पे जैसे ही गाड़ी को ड्राइव कर रही होती है वो उसी जगह पे बार बार आ जा रही होती है, उसे अजीब लगता है और ये से लगता है ये क्या हो रहा है कि हम बार बार उसी जगह पे आ रहे हैं। और तभी यहाँ पे हनी कहता है कि फिर से यही सब दोहराया जा रहा है, मतलब इतिहास दोहराया जा रहा है। और फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है कि कैसे उस पागल औरत मिस मायरा ने 3 मच्छियों को रूम में बंद करके जला दिया था क्योंकि उसके साथ वो काला जादू करनी चाहती थी। और उसके बाद जैसे जैसे तैसे करके ये तीनों वहाँ से भाग पाए, मतलब इन तीनों ने अपने कोशिशों के बदौलत वहाँ से भाग तो गए लेकिन उसके बाद फिर वो जैसे जैसे भाग रहे थे वो उसी जगह पे बार बार आके जैसे कि कोई लूप जगह हो, लेकिन वो अपने टीचर के वजह से मतलब उसी बूढ़े आदमी के वजह से उसे मारने में उस रूम में लॉक करने में कामयाब हो पाए। और तभी वो सर पीट पीट के वो अपने आप को मार लेती है और उसी बेसमेंट में उसे दफना दिया था इन लोगों ने। और फिर ये बातें बोल के वो लोग बोलते हैं कि उसकी डेड बॉडी को कहाँ रखा है तुमने। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनी की बेटे हशबी को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में कुछ काम कर रहा था और अचानक उसको अपने हाथ पे काबू नहीं रहता है, एक स्टेबल उठाता है और अपने ही होठों को स्टेबल करने लगता है। और दूसरी तरफ हकी भी टीवी
देख रहा था और अचानक से टीवी बंद हो जाता है और उसे कटी हुई शर दिखती है। ये देखे वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और भाग के अपने भाई हसबी के पास चला जाता है। लेकिन वो देखता है कि उसके भाई के भी होश स्टेबल हो चुके हैं और उसके हाथ पे भी कंट्रोल नहीं होता है। और तभी वो गन उठाता है और अपने भाई उसे वो बताना चाहता है कि मेरे हाथ पे कंट्रोल नहीं है और जो करवा रही है वो, और उसे शूट करने लगती है अभी को, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और वो बोलने की भी कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो ढूंढने लगते हैं लेकिन उसका बेटा कहीं भी नहीं मिलता है और वो लोग इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। बात शायद ही उस बूढ़े आदमी के रूम तक चली जाती है ढूंढते। उसके बाद फिर वहाँ पे एक उसे बॉक्स मिलता है और उसे लगता है कि यहाँ से शायद कुछ मिले। और उसके बाद उस बॉक्स को ओपन करती है और उस बॉक्स में बहुत सारे फोटोग्राफ्स होते हैं जो कि बहुत गंदे वाले होते हैं। मतलब उसके बाद फिर वो अपने पति से जाके कहती है कि असली विलन कोई और नहीं बल्कि वो है, मतलब उस वो जो है लड़कियों को अब्यूज़ करता था और उसके बाद फिर वो उसे यूज़ करता था, मतलब असली दरिंदा ये है। और तभी ये कहानी पता लगती है कि ये जो है बूढ़ा आदमी वो बहुत सी लड़कियों को यूज़ करता था। और उसके बाद फिर वो जो औरत थी वो उन लड़कियों को बचाने की कोशिश में थी लेकिन वो उसे लगता है कि वो उसे मरवा दे। उसके बाद फिर इन तीनों बच्चों के थ्रू वो उसे मरवा देता है और उसी रूम में उसे दफना देता है। और ये सब करने का कारण यही था ताकि वो औरत उसे इस बात को रिलीफ ना करे। असली दरिंदा वो औरत नहीं बल्कि वही आदमी है। और असल में ये सब कौन कर रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी इस सब को शक जाता है मेम्स और शैदी, जो कि मेमन और शैदी भी आती हैं और उस बात को कहानी को क्लियर करती हैं जो उनके साथ हुआ था। मतलब वो बताती हैं कि वो तीन बच्चियों को कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़े आदमी ने मारा होता है और वो औरत उसे बचाना चाहती थी तो उसे ही मरवा दिया। और फिर ये सब सोच के हनी को काफ़ी बुरा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। और ये लोग सोच रहे थे कि सब हो क्यों रहा है, लेकिन वही बच्ची हम देखते हैं कि जो कि आ जाती है वापस। मतलब वो बच्ची मरी नहीं थी, जिंदा ही थी जिसने उसे कार में उठा के लाया था। और तभी वो कहानी बताने लगती है कि कैसे एक बस में वो लोग पिकनिक पे जा रहे थे और एक बस में एक औरत काले कपड़े में चढ़ जाती है और उसके बाद वो जादू करती है और कुछ मंत्र पढ़ती है जिसके कारण सारे बच्चे उसके बस में हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो सारे अपने आप को पीट के मार देते हैं। लेकिन इस बच्ची पे कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि इस बच्ची ने कान में हेडफोन लगाया होता है, इसलिए वो मंत्र सुन नहीं पाती है जिसके कारण उसे कोई भी काली जादू का असर नहीं होता है। लेकिन ये सब सोच के ये डर जाती है और जाने लगती है। तभी हनी उसे कार से टक्कर लग जाता है। ये सब सोच के हनी को काफ़ी बुरा लगता है और उसे काफ़ी गुस्सा होता है और जाने लगता है उसी आदमी को मारने के लिए क्योंकि वही असली दोषी था और उसने बेगुनाह को मरवाया था इन बच्चों के हाथों। लेकिन तभी उसकी वाइफ आती है और उसे रोक लेती है, कहती है कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे आदमी को मारने के। और उसके बाद फिर वो और हनी को एक फ़ोटोग्राफ मिल जाता है जिसमें कि वो मोनी को देखता है, मतलब वो मोनी ही वो बच्ची है जो कि अभी जिंदा है। उसके बाद फिर वो समझ जाता है कि ये सब जो भी कर रही है सब कुछ मोनी ही कर रही है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो दोनों भाई आ जाते हैं जो कि काफ़ी घायल होते हैं, उनकी फैमिली से देख के उन्हें हॉस्पिटल जाने की कोशिश करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लेना भी पसीस हो चुकी है और अपने सर को कान में पीट रही होती है। तभी सब उस मोनी को बुलाता है और तभी मोनी आती है और हनी के गले को दबाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नानी उस पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि रानी वहाँ आके उसके सर पे मार देती है और बेहोश कर देती है। रानी वही है जो हमें स्टार्टिंग में देखती है जो 10 साल से यहाँ है और जो कहती है कि मेरी माँ जरूर आएगी। और उसके बाद फिर ये सब सीन देख के फिर हम देखते हैं कि सारे लोग को बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रही है और सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, किसी के अंदर कीड़ा तो किसी के अंदर की उंगलियों की हड्डियाँ टूट जाना, ये सब मोनी कर रही थी और सबको सजा दे रही थी। और उसके बाद वो सबको एक कमरे में लेके जाती है और सबको सजा देने की बात करती है। और तभी अनादिया उसे पूछती है कि चलो ठीक है मेरे हस्बैंड ने गलतियाँ की हैं तो उसे तो सजा मिलेगी लेकिन हमारी क्या गलती और उन बच्चों की क्या गलती थी जिसे तुमने इतनी भयानक सजा दी और इतनी भयानक मौत दी। तभी वो मोनी उसे कहती है कि यहाँ पे इस आश्रम में आने से अच्छा है ना कि वो मर जाए, इतनी गंदी और इतनी भद्दी जिंदगी जीने से तो अच्छा है ना कि वो मर जाए। और ऐसा कह के और तभी कहती है कि चलो तुम लोगों को मैं छोड़ दूँगी, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़ देंगी, तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हें मारना होगा। और उसे एक हथियार दे देती है उसे मारने के लिए लेकिन इन सब के मुताबिक उनका बेटा वहाँ से उठता है और उस पर अटैक कर देता है। ये सब देख के अनादिया उस पर अटैक कर देती है, उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। लेकिन क्योंकि वो काले जादू और शैतान से बहुत ज़्यादा मिली हुई थी इसलिए उसने अपने सर को उठाती है और अपने धड़ को जोड़ लेती है। मतलब बायोलॉजी का माँ बहन
हो गया, उसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे वो जिंदा हो जाती है। उसके बाद फिर वहाँ पे क्योंकि रिचुअल चल रहा होता है तो उसी आग को लेकर वहाँ पे उसे जला देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि वो रिचुअल का आग था इसलिए वो चुड़ैल वहीं पे मारी जाती है। देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी जो कि इन सब का जड़ है उसे भी वो लोग उसी रूम में जलाने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी भी सजा मिलनी जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि अनादिया जो कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आती है वो उसी काले साये को देखती है। और इसी के साथ हमारी मूवी भी खत्म हो जाती है। तो आई होप गाइस आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके लिए बाय, सी यू।